बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए गल गलोट और जेमी डॉर्नन के साथ लंदन में 2 महीने से अधिक समय बिताने के बाद मुंबई लौट आई हैं। अभिनेत्री हाल ही में लौटी और पति रणवीर कपूर ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। रणवीर आलिया को पिक करने एयरपोर्ट पहुँच गए। इस साल की शुरुआत के अप्रैल में शादी करने के बाद अभिनेता एक साथ अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार कर रहे हैं। कई वीडियो में आलिया पेपराजी को ग्रीट करती नजर आ रही हैं। वहीं रणवीर को कार में उनका इंतजार कर देख वो काफी सरप्राइज हो गई। वे भी चिल्लाते हुए रणवीर को गले लग जाती हैं। कुछ दिन पहले ही आलिया ने अपने हॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद हार्ट ऑफ स्टोन के सेट से तस्वीरें शेयर की थी। आलिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हार्ट ऑफ स्टोन आपके पास मेरा दिल है, गॉर्जियस गल गलोट मेरे निर्देशक टॉम हार्पर जेमी डॉर्मन को आज आपको मिस किया और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए पूरी टीम को धन्यवाद। मुझे मिले प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी और मैं आप सभी का फिल्म देखने का इंतजार कर रही हूं, लेकिन अभी के लिए मैं घर आ रही हूं बेबी। हाल ही में एक पोर्टल के साथ इंटरव्यू में जब रणवीर कपूर से उनके जीवन बदलने वाले इस साल के बारे में पूछा गया तो रणवीर ने कहा, ऐसा कोई एहसास नहीं है और मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे संक्षेप में बताया जाए। ये कहने जैसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पानी की तरह महसूस करता है लेकिन इससे पहले वो उसमें तैर भी ना पाया हो। मैं बस घबराया हूँ, उत्साहित हूँ और खुश हूँ। हम भविष्य के बारे में सपना देख रहे हैं, यह सिर्फ एक शानदार एहसास है। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग फिल्म डार्लिंग का प्रमोशन शुरू करेंगी। फिल्म में शेफाली शाह, विजय शर्मा और रोशन मैथ्यू है। यह 5 अगस्त को OTT पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद एक्ट्रेस के पास ब्रह्मास्त्र होगा रणवीर कपूर के साथ। आयान मुखर्जी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है। यह फिल्म 9 सितम्बर 2022 को सिनेमाघरों में आएगी। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।